कर रहा हूं। तो हमने अभी पिछले वाले क्लासेस में पढ़ लिया था ये फिक्सिंग ऑफ प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ यूएचएफएस। इसके लिए हम सेंट्रल बजट कमेटी सीबीसी और शॉप बजट कमेटी एसबीसी के द्वारा मतलब कि परसेंटेज निकालते हैं यूएचएफएस का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एनपी चार्जेस, नॉन रेट ऑफ लेवी ऑफ नॉन प्रोडक्शन चार्जेस एंड प्रोडक्शन मेंटेनेंस चार्जेस, पीएम चार्जेस। फुल फॉर्म लिख लीजिए, नॉन प्रोडक्शन एनपी एंड प्रोडक्शन मेंटेनेंस चार्जेस पीएम चार्जेस। ये कब बनाया जाता है? क्वार्टरली। इस आप केवल कीवर्ड्स लिखिए उसमें जो भी आप नोट्स बना रहे, क्योंकि ये किताब या आपके पास जो भी किताब होगी उसमें डिटेल में लिखा होगा। आप केवल जो मैं कीवर्ड्स बोलता हूँ उनको लिखिए। एनपी चार्जेस के आगे लिख लीजिए नॉन प्रोडक्शन चार्जेस और पीएम चार्जेस प्रोडक्शन मेंटेनेंस चार्जेस, और उसके आगे लिख लीजिए क्वार्टरली। क्वार्टरली में एक कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है? अकाउंट ऑफिस इन कंसल्टेशन विद जीएम। जीएम से मतलब हो जाता है आपका प्लानिंग सेक्शन। उसके साथ ही जितना भी तरीके के ओवरहेड या जो शॉप बजट कमेटी है होती है या सेंट्रल बजट कमेटी, इसको मतलब कि मॉनिटर करने के लिए आपका वर्क ऑफिस या प्लानिंग ऑफिस ही काम करता है। तो वैसे ही ये इसके लिए भी आपका वर्क ऑफिस या प्लानिंग ऑफिस ही काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि जब भी ओवरहेड की बात होगी, या ये भी एक तरीके से ओवरहेड ही है, तो किसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि कितना डायरेक्ट लेबर लग रहा है, उसके ऊपर ही हमारे ओवरहेड को हम कैलकुलेट करते हैं, उसका परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। आगे फॉर्मूला है, आपको उधर पे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कुल डायरेक्ट लेबर के रेट के हिसाब से एनपी चार्जेस को और इसको पीएम चार्जेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो एनपी चार्जेस में क्या है, एनपी चार्जेस में हैंड और मशीन लेबर दोनों को शामिल किया जाता है, और पीएम चार्जेस में केवल मशीन लेबर को शामिल किया जाता है। दोनों में अंतर बेसिक ये है। इसके बाद में ये क्वेश्चन हम स्टेप लेटर बार बार पढ़ रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में आ जाएंगे। स्टेप लेटर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब कि आपके जो भी सर्विसेज सेक्शन के खर्चे थे प्रोडक्शन सेक्शन, वो प्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर डालना, वो एक विधि होती है स्टेप लेटर। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, किस किस सेक्शन में क्या क्या खर्चे हुए, 01 सीरीज के किस वर्क ऑर्डर में कितना, 02 सीरीज के किस वर्क ऑर्डर में कितना, इस तरीके से पूरा सेक्शन वाइज निकालते हैं। उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि अब एक साइड में मेंटेनेंस सेक्शन को रखना है, किस साइड में प्रोडक्शन सेक्शन को रखना है, उसकी क्या कार्यविधि होगी, उसको आगे बताता हूं। ये तो आपको मालूम है, आप प्रत्यक्षम इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए डिमांड नोट रिटर्न नोट का यूज होगा, और यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर के लिए डे वर्क कार्ड एलोकेशन शीट, इनके द्वारा हम मतलब इनडायरेक्ट लेबर निकालते हैं।
और इससे संबंधित खर्चे, डेप्रिसिएशन चार्जेस वगैरह को कॉस्ट अकाउंट सेक्शन में एक एलोकेशन शीट बनाते हैं, उस पे दर्शाया जाता है। हर एक महीने बनता है कि कितना डायरेक्ट लेबर लगा, कितना इनडायरेक्ट लेबर लगा, कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, ये पूरी चीजें निकाली जाती हैं। फिर उसके आधार पे चीजों को बनाया जाता है। तो एक एलोकेशन शीट कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन में बनाया जाती है। ये देखिए, अब इसमें देखिए, जब हम ये बना रहे स्टेप लेटर, तो इसमें क्या लिखा है, वे सेक्शन जिनकी सेवाओं का खर्च कम होता है उन्हें सबसे ऊपर रखा जाता है ना। पहले तो हमने सेक्शन वाइज खर्चे निकाल लिए, अब जब हम एलोकेशन शीट ये स्टेप लेटर बनाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, तो जिन सेवाओं का खर्च सबसे कम होता है उन्हें सबसे ऊपर, और जिनका कम रहता है अब वो ज्यादा रहता है उनको नीचे सीरियली आता है। पावर कॉस्ट में क्या क्या है, पावर कॉस्ट एस्टीमेट बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर कितनी लग रही, स्टीम पावर तथा उत्पादन के लिए गैसों से संबंधित खर्चों को पावर कॉस्ट में शामिल किया जाता है, ये लिख लीजिए अलग से। इसमें अन्य खर्चे भी शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कॉस्ट स्टेटमेंट में आपका पूरा खर्चों का, मतलब कि यहाँ पे ओवरहेड की बात हो रही है, तो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, इनडायरेक्ट लेबर वर्कर्स में लग रहा है, प्लस पावर कॉस्ट हो गई, प्लस जो भी और खर्चे हैं उनको सबको इकट्ठा करके आगे काम किया जाता है। इन खर्चों को एलोकेशन करके प्रत्येक प्रोडक्शन तथा नॉन प्रोडक्शन सेक्शन द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के अनुसार उनके अनुपात में सेक्शन के ऊपर चार्ज किया जाता है। आप जो आगे स्टेप लेटर किस तरीके से बन रहा है उसको देखा, तो इसमें पहले सबसे पहले बेस से ये वाला आपको लिखना है, पावर कॉस्ट का अलग लिखना है, सर्विस सेक्शन परिवर्तित शील खर्चों के संबंध में कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं, मतलब कि वीओएच के लिए परिवर्तनशील खर्चे वेरिएबल खर्चों के संबंध में कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं तैयार किया जाता। इसे प्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर स्टेप लेडर स्टेटमेंट के माध्यम से क्वार्टरली रूप से ट्रांसफर किया जाता है। स्टेप लेटर कब बन रहा है, क्वार्टरली। प्रत्येक सर्विस से संबंधित खर्चों को दूसरे सेक्शन के ऊपर, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे एक साइड में आप देख लीजिए क्या लिखा है, सर्विस सेक्शन से संबंधित खर्चों को स्टेप लेटर के माध्यम में स्टेप लेटर के बाई तरफ, क्योंकि अपने को लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम खर्चे लिखेंगे, तो जो सर्विस सेक्शन के खर्चे हैं तो उनको पहले मैनेज किया जाएगा, जो सबसे कम है उसको ऊपर, उसके बाद में नीचे, ऐसे। तो लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले सर्विस सेक्शन, उसके बाद में इधर पे प्रोडक्शन सेक्शन राइट साइड में लिखे जाते हैं। फिर इसको एक परसेंटेज दिया जाता है, परसेंटेज के हिसाब से ये वाले जो टोटल खर्चे हैं इनको उधर पे डाला जाता है प्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर, पहले एक बार में डाल दिया जाता है, फिर यदि कुछ और परसेंटेज बता तो फिर रीलेवी किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं केवल ये बन रहा है कि सर्विस सेक्शन लेफ्ट में और प्रोडक्शन सेक्शन के खर्चों को राइट में लिखा जाता है, इसके
के लिए सबसे कम खर्चे वाले सेक्शन को सबसे पहले रखा जाता है, इसी अनुसार से स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ये ऊपर हम बता दिया, पावर स्टीम और गैस कॉस्ट का स्टेटमेंट प्रत्येक महीने तैयार किया जाता है। ये कौन तैयार करेगा? अकाउंट ऑफिस तैयार करेगा। खर्चों स्टेप लेटर में खर्चों का डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे होता है, लिखा है, तो इसको लिख लीजिए। पावर और लाइट के लिए वास्तविक खर्चे प्रत्येक अनुभाग का प्रत्यक्ष लेबर चार्जेस निकाल लिया जाता है, प्रत्येक अनुभाग के श्रमिकों की संख्या निकाल ली जाती, प्रबंधन के द्वारा फिक्स किया हुआ परसेंटेज निकाल लिया जाता है। इसके बाद में जैसा मिक्स्ड सेक्शन पहले ही बताया कि जहां पे जैसे टूल रूम सेक्शन है तो वहां पे कुछ इनडायरेक्ट भी वर्क होता है, कुछ डायरेक्ट वर्क भी होता है, तो इसको मिक्स्ड सेक्शन कहते हैं। तो मिक्स्ड सेक्शन को दोनों तरफ रखा जाता है, तो इसमें एक वो है इरेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन की कॉस्ट के साथ में कैपिटलाइज की जाती है, और स्टेप लेटर में इस तरीके के सेक्शन के खर्चों को दोनों तरफ दर्शाया जाता है। अंडर एब्जॉर्ब ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, जब जो हम वहां पे प्री डिफाइंड वाला वो किए थे, वो एक लगाए हुए हम बनाया था कि प्री डिफाइंड इतना हम परसेंटेज डालेंगे अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्जेस करेंगे, तो उसके बाद जब एक्चुअल आता है तो एक्चुअल और इसके बीच में अंतर रहता है, ऑलवेज अंतर रहता है, तो उस जो अंतर आता है उस खर्चों को फिर से रीलेवी किया जाता है, तो उस तरीके के खर्चों को क्या कहते हैं, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब फिक्स चार्जेस के रूप में दिखाया जाता है, और अनयूटिलाइज सरप्लस कैपेसिटी के की जो अमाउंट पृथक रहती है उसे निर्माणी के प्रोडक्शन अकाउंट में कटौती के रूप में दर्शाया जाता है। इसको छोड़ दीजिए अंडर और, तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन जो होता है तो वो को रीलेवी कब किया जाता है, इस अंतर की निर्धारित की गई सीमा 5% से यदि ज्यादा होती तो रीलेवी किया जाता। अब ये देखिए जो मैं बार बार बोलते आ रहा कि जो डायरेक्ट लेबर के ऊपर चार्ज किया जाता है, अब यदि सेक्शन का एफओएच परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला ऐसा होगा, सेक्शन का कुल फिक्स्ड चार्जेस एफओएच बात हो रही, तो मतलब 01 सीरीज में उस सेक्शन ने कितना खर्चा किया डिवाइडेड बाय सेक्शन की कुल डायरेक्ट लेबर इनटू 100%, तो ये एफओएच का परसेंटेज आ जाएगा। जब सेक्शन की बात हो रही तो यहाँ पे सेक्शन लिख दिया जाएगा, यहाँ पे भी सेक्शन, यहाँ पे भी सेक्शन, और जब फैक्ट्री की बात की जाएगी तो फैक्ट्री का कुल फिक्स्ड चार्जेस डिवाइडेड बाय फैक्ट्री की कुल डायरेक्ट लेबर। इसी प्रकार जब वीओएच का परसेंटेज निकालना हो तो सेक्शन का कुल वीओएच और सेक्शन का कुल डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे नीचे वाला जो है वो डायरेक्ट लेबर फिक्स है, एंड ये मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो इससे परसेंटेज निकलता है। जब फैक्ट्री का लिखना होगा तो फैक्ट्री का कुल वेरिएबल चार्जेस डिवाइडेड बाय फैक्ट्री का कुल डायरेक्ट लेबर, ये फॉर्मूला लिख लीजिए।
बजट कमेटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, शॉप बजट कमेटी और सेंट्रल बजट कमेटी होता है। इसको ऐसा कुछ समझने वाली चीज नहीं, केवल उसमें प्रत्येक कार्यशाला के लिए परिवर्तित खर्चों, ऊपरी खर्चों, वेरिएबल ओवरहेड का बजट कार्यशाला बजट समय कमेटी के द्वारा और केंद्रीय बजट कमेटी के द्वारा, सीबीसी द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। ये पहले भी लिखा है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ इसमें समझने वाला नहीं है। कॉस्ट प्रेजेंटेशन, कॉस्ट कार्ड से कॉस्ट, ये सब आपके मतलब का नहीं है इसमें। हाँ, शॉप बजट कमेटी, इसका रिव्यू प्रत्येक तिमाही में मतलब क्वार्टरली होता है, जिससे कि खर्चों को कंट्रोल किया जा सके तथा साथ ही साथ इसके उतार चढ़ाव को कम किया जा सके। इस प्रकार शॉप बजट कमेटी का मुख्य कार्य खर्चों को और उसकी स्थिरता को नियंत्रण करना है। सेंट्रल बजट कमेटी 01-02 वर्क ऑर्डर सीरीज के अंतर्गत होती है, इसको भी क्वार्टरली करते हैं या हाफ ईयरली, दोनों में से किसी भी रूप में इसको बनाया जाता है। तो इसमें सेंट्रल बजट कमेटी में एचओएस, डीओ प्लस अकाउंट का वो आपका अकाउंट ऑफिसर, और सेंट्रल बजट कमेटी में आपका जो भी अनुभाग मतलब कि फैक्ट्री का जनरल मैनेजर और अकाउंट साइड का जो भी बॉस है, वो पहले के जमाने में JCFA DCFA रहते थे, वो रहते हैं। और आपका जो प्लानिंग सेक्शन है उनके ज्वाइंट जीएम या डीजीएम इस सेक्रेटरी रहते हैं। ये लिखा कमेटी का सर्व प्रमुख जीएम होता है। सीबीसी के द्वारा, आप लोग के क्वेश्चन कई बार आए हैं, सीबीसी के द्वारा डायरेक्ट लेबर चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस आदि फिक्स किए जाते हैं। सीबीसी एक्चुअली ईयरली होती है, इसको रिव्यू किया जाता है क्वार्टरली या 6 मंथली इसको रिव्यू किया जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यदि वर्ष के अंत में पूर्व निर्धारित लागत जो हमने प्री डिटरमाइंड किया था FOH CBC द्वारा, तो उसमें और एक्चुअल में 5% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तब अंतर को, यदि 5% से अंतर नहीं है तो अंतर अंतर को आप इसमें दिखा सकते हैं एनुअल अकाउंट में। यदि 5% से अधिक अंतर होने पर एक सप्लीमेंट्री लेवी सूची तैयार की जाती है, मतलब कि उसको फिर से उतना जो अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है तो उसको अलग से फिर से उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज किया जाता है। ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जब आप 01 सीरीज और 02 सीरीज का एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि पूरे खर्चों का विवरण निकालते हैं तो उसे ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। हर एक उसमें एक टॉप शीट बनती, जो भी एब्स्ट्रैक्ट बनेगा एक टॉप शीट बनेगी, एक समरी शीट बनेगी, चाहे लेबर एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट हो, सब में टॉप शीट और समरी शीट बनती है और एक डिटेल शीट बनती है। तो इसमें क्या क्या रहेगा,
टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर चार्जेस, टोटल ऑफ वेरिएबल लेविड और टोटल फिक्स्ड चार्जेस लेविड, ये परसेंटेज हमने पहले ही फॉर्मूला आप लोगों को दिखा लिखा दिया है, ये लिखा हुआ है। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सभी प्रकार के नॉर्मल रिपेयर जिनका संबंध प्लांट एंड मशीनरी से है, मैं यदि कम खर्चे आते हैं तो उसी साल उसका खर्चों को हम मतलब कि ओवरहेड चार्जेस में ले लेते हैं, पर यदि खर्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अलग, यदि प्लांट मशीनरी के खर्चे रिपेयर वाले खर्चे जो है तो वो ज्यादा होते तो उनको अलग अलग सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उस तरीके के खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इन खर्चों को 02/0016 में बुक किया जाता है। यदि इस प्रकार होने वाले खर्चों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक है तो इसे खंड से कुछ वर्षों में बांट दिया जाता है, जिसकी अनुमति ओएफपी से लेना आवश्यक है। यदि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो इसकी अनुमति अलग अलग सालों में बांटने के लिए अनुमति हेडक्वार्टर से लेना पड़ेगा। इस ये कहाँ पे शो होगा? एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट। अभी आप जब उधर पे पढ़ेंगे कि एनुअल अकाउंट वाले उसमें कई तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे दिखाए जाते हैं? जब अलग अलग सालों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट में इन खर्चों को एसेट के रूप में दर्शाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष में होने वाले खर्च को पूरी तरह से प्रोडक्शन चार्जेस में जोड़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन टाइम लिमिट 7 इयर्स से अधिक नहीं होती, मतलब साल 7 साल के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज कर दिया जाता है। कहाँ इसको शो करेंगे? जो बचा हुआ है एसेट एंड लाइबिलिटी में, और इन खर्चों को कहाँ डालते हैं? 02/0016 में। इसी को हिंदी में बोलते विलंबित राजस्व व्यय। एक और तरीके के खर्चे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो हो गया आपका जो मतलब प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है उस पे यदि आपका मेंटेनेंस में चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं तो उसको एक ही साथ में यदि आप डाल देंगे एक साथ, क्योंकि मशीन तो कई साल चलेगी, यदि आपने एक ही साल में उसको डाल दिया खर्चे को तो उस साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एकदम से ना बढ़ाते हुए उस को अलग अलग सालों में बांट दिया जाता है। पर अब यदि आप नई फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई नई मशीन लगा रहे हैं तो उसमें भी खर्चा हो रहा आपका, तो इस तरीके के खर्चों को भी बांटा जाता है। रिपेयर वाले खर्चे डेफर्ड रेवेन्यू, और जो नई मशीनरी लग रही है, नए प्लांट लग रहे हैं उसके लिए ये उन खर्चों को बांटा जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। नाम से ही पता चल रहा, प्रारंभिक मतलब इनिशियली कुछ खर्चे किए गए उसको अलग अलग सालों में बांट दिया जाता है।
इसकी दर कौन निर्धारित करता है? जिसकी दर महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब फैक्ट्री इटसेल्फ डिसाइड कर लेती है, और इन खर्चों को तब तक नहीं जोड़ा जाता जब तक कि प्रोडक्शन मतलब कि स्टार्ट ना हो जाए उस मशीन के, या आपने प्लांट डाला उसका, उसके बाद ही इन खर्चों को जोड़ा जाता है। और इसका एक वो है, वो 7 ईयर्स में आप चार्ज करते थे, यहाँ 10 ईयर्स में इन खर्चों को, क्योंकि ये नेचुरल है, जब मशीन लग रही है या प्लांट लग रहा है तो बहुत ज्यादा होगा, करोड़ों अरबों रुपए में होगा, तो इनको 10 वर्षों में आप मतलब कि जोड़ते हैं। यहाँ पे भी इस तरीके की राशि को कहाँ पे लिख रहे हैं? एसेट एंड लाइबिलिटी में ही लिखा जाता है, इसको काहे में लिखते, एसेट के रूप में दिखाया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन आपको है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पीएफ? नहीं सर, सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परमिशन हमें किससे लेना पड़ता है? ओएफबी से, ओके, ओएफबी से। ओएफबी से। और ये परसेंटेज डिसाइड करने का काम तो जनरल मैनेजर करेगा, पर परमिशन वहां से ली जाएगी, ओएफबी से, है ना? चाहे किसी भी तरीके से बड़े खर्चे हैं, मरम्मत के खर्चे या मेंटेनेंस के खर्चे, तो डेफर्ड कहलाएंगे, और नई मशीन लग रही है, नया प्लांट लग रहा है, तो पीएम चार्जेस। तो ये 10 ईयर्स और 7 ईयर्स, बस अंतर ये है। कल कौन क्लास लेगा और कितने बजे से लेगा?